तो दोस्तों स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के नए टीजर सामने आ गया है। इस टीजर में बहुत सारे बातों की खुलासा हुई है। पिछले ट्रेलर में जो बातें हमें समझ में नहीं आ रही थी, जैसे कि टोनी के ग्लासेस और उसके हिडन लैब जो हमें पिछले ट्रेलर में देखने को मिला था, पर हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था। पर दोस्तों ये नए टीजर से बहुत सभी बातों की खुलासा हो गई है। इस वीडियो में मैं इस टीजर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे आपको मिल सके नया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों इस नए टीजर से चश्मे का जो मिस्ट्री था, मेरा मतलब है टोनी के ग्लासेस का जो मिस्ट्री था, वो सॉल्व हो गया है। टोनी का जो ग्लास है वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे किसी चीज़ को स्कैन करना, किसी आदमी के बारे में पता लगाना, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता लगाना, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था। पीटर के पास जो ग्लास है वो भी एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है जैसे टोनी स्टार्क के ग्लास काम करता था। यहाँ जो बात सामने आया है इस ग्लास के बारे में वो है आपके आसपास कौन किसको क्या मैसेज भेज रहा है, वो इस ग्लास से पता चल जाता है। ये चश्मा हो सकता है टोनी का ही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पीटर के लिए एक अलग तरह के चश्मा बनाया है। पर दोस्तों मेरे हिसाब से ये चश्मा टोनी का ही है, क्योंकि हम सबको कुछ हद तक अंदाज़ा था कि टोनी के हिडन लैब कहीं ना कहीं पर है और उसे पता लगाने का एक ही जरिया था टोनी का चश्मा। तो हो सकता है टोनी का चश्मा मिलने के बाद पीटर ने टोनी के हिडन लैब को ढूंढ निकाला। उसी हिडन लैब में पीटर अलग अलग तरह के स्पाइडी सूट बना रहा है जो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला था। तो अब जो प्रश्न सामने आता है कि ये लैब कहाँ है और किसने उसे इस लैब के बारे में बताया। मेरे हिसाब से दोस्तों ये लैब के बारे में उसे हैप्पी ने बताया, हैप्पी ने पीटर को बताया टोनी का सीक्रेट लैब के बारे में जो एक प्लेन में है। शायद मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेलर में हमने देखा था पीटर हैप्पी को बोलता है कि उसे एक नया सूट चाहिए और पीटर के आसपास को देखकर यही लगता है कि वो असल में एक जेट है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि पीटर के स्पाइडी सूट तैयार हो रहा है और पीटर अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पाइडी सूट डिज़ाइन कर रहा है। उसके बाद ही हम देखते हैं पीटर टोनी के प्राइवेट प्लेन के बाहर चिपका हुआ है, जहाँ हैप्पी उसे बोलता है कि ये सूट उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी के कारण दोस्तों मैं बता रहा था कि टोनी के सीक्रेट लैब टोनी के प्राइवेट जेट में है। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी इसी तरह के एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय।